वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो ये जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है अपनी 130 kg बेंच तक की, मैं अपनी जर्नी दिखाऊंगा। अभी मेरा बेंच का PR 120 kg है और मैं ये 130 तक की सारी जर्नी को मैं यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ। और ये मेरी पहली वीडियो है, फर्स्ट डे वन है और प्रैक्टिस भी पहली है उसके लिए। अभी मेरा अराउंड 120 kg PR तो है, ठीक है। आप PR की वीडियो मैं लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप देख लेना। और अब हम डायरेक्ट बेंच पे चलते हैं। वार्म अप करने के बाद जो मेन सेट होगा मैं वो भी दिखाऊंगा, और उसके बाद जो सपोर्टिव एक्सरसाइज होंगी वो भी शायद दिखाऊंगी, वो नहीं दिखाऊंगा, बस मैं अपनी मेन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक। थैंक यू दोस्तों। ये मेरा वार्म अप सेट है। और हाँ, मैं ना वॉइस ओवर इसलिए देता हूँ क्योंकि जिनमें सॉन्ग्स बजते हैं और उसकी वजह से वीडियो पे कॉपीराइट आता है, ठीक है। ये मेरा पहला वार्म अप सेट है जिसमें मैंने 5 रैप लिए थे 70 kg के। अब इसके बाद मैं एक और वार्म अप लेता हूँ। ये मेरा 90 kg का सेकंड वार्म अप है। इसमें भी अराउंड मैं 5 रैप्स ही लेता हूँ। जैसे कि आप कंटिन्यू करके आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। और ये अब आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट 70 kg से वार्म अप क्यों लिया। 70 kg से वार्म अप नहीं लिया मैंने, स्टार्टिंग से 40 kg वार्म अप लिया था, लेकिन वो क्लिप से ज़्यादा लंबी वीडियो जाती इसलिए मैंने वो नहीं लिया, डायरेक्ट 2 वार्म अप सेट ले लिए। अब यहाँ से मेरा मेन सेट स्टार्ट होता है लार्सन प्रेस का। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये होता है मूवमेंट लिफ्ट उठाते टाइम पे फंस जाती है, उसकी वजह से लार्सन प्रेस मैंने ऐड की हुई है। इसके टोटल 4 सेट होंगे जिसमें आपके PR से थोड़ा वेट कम करके आपको जितना 3-4 रैप निकाल सकते हैं उतना लगाना होता है लार्सन प्रेस में। लार्सन प्रेस एक तरीके से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बेंच को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने इसके 4 सेट लगाए हुए हैं अपनी एक्सरसाइज में। आप कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ मेरी इस 130 kg की जर्नी में। आपको मैं हर सैटरडे को या फिर हर सैटरडे और हर थर्सडे को अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे भी होगा ट्राई करूंगा मैं अपने दोनों बेंच की जो ट्रेनिंग होगी वो डेली ही अपलोड करूंगा, क्योंकि दोनों में चेंजेस है। एक दिन हैवी है, एक दिन हैवी है और एक दिन रैप्स पे है, तो इसलिए मैं दोनों को डालना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और ये मेरा 3rd सेट हो रहा है यहाँ पे, इसमें लार्सन प्रेस भी है। इसके बाद जो होंगे लार्सन प्रेस कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे मेन बेंच ली हुई है उसको भी आप देखिएगा। और लेग ड्राइव तो आपको पता ही है कि कैसे यूज करनी है, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं लेग ड्राइव के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल दूंगा हाउ टू यूज़ लेग ड्राइव इन बेंच प्रेस। तो मैं जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट करिए आपको चाहिए या नहीं, ठीक है दोस्तों। अब ये मेरी लार्सन प्रेस की ट्रेनिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब आते हैं मेन सेट के ऊपर, जो मेरा फर्स्ट बेंच का सेट है जो 107.5 का है। ये मेरा पहला सेट है, इसके 3 रैप्स के लिए मैं जाऊंगा पहले सेट में ही। तो अच्छे से लेग ड्राइव लेने के बाद वो ये मैंने अपने 3 रैप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ बिना शूज़ के कर रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि हमारे जिम में जो है ना वहाँ पे शूज़ काम नहीं आ पाते, और जो मेरे शूज़ के जो सोल हैं वो थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, उसके वजह से वो अच्छे से मेरे को सेट नहीं हो पाते, वो वहाँ से लेग फिसल जाता है। उसी की वजह से मैं विदाउट शू अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। और ये मेरा सेकंड सेट है, इसमें भी सेम वेट है, सेम वेट के 3 सेट लेने हैं। तो वो ट्रेनिंग इसी तरीके से सेट की हुई है मेरी, अभी आप देख सकते हैं। ये लास्ट में इसके मैं फंस गया था, ये 3rd वाला सेट, थोड़ा और रेस्ट ले करके फिर दोबारा हम मारने के लिए आते हैं लास्ट सेट को। लास्ट सेट में देखिएगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लास्ट सेट में, क्योंकि मेरा एक पैर जो है वो हिल गया था, शायद राइट वाला लेग है ना जो उसने थोड़ा साथ छोड़ दिया था, उसकी वजह से मेरा जो लास्ट का रैप है वो निकल नहीं पाया था। ये मेरा पहला रैप आता है, ये दूसरा रैप भी आ जाता है, और अब 3rd रैप में मेरी फंस जाता है बिल्कुल, वो ऊपर नहीं आ पाता है, 3rd रैप में एकदम फंस जाता है। और बस अब यहीं पे ट्रेनिंग ख़त्म करता हूँ मैं,
और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये थी मेरी ट्रेनिंग आज की, तो नेक्स्ट वीक से मैं अपनी सारी सपोर्टिव एक्सरसाइज को भी डालना स्टार्ट करूँगा, तो आप कंटिन्यू रहिएगा। आपको मैं अपनी 130 तक की वो जर्नी को पूरा अच्छे से दिखाना चाहता हूँ कि 130 तक पहुँचना कितना मुश्किल भी है और आसान भी है। Yeah.